के अलीगढ़ में नव वर्ष का आगाज हुआ। स्मार्ट तकनीकी से मिली शहरवासियों को इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम की सौगात। विधिवत उद्घाटन के साथ नगर निगम सेवा भवन में खुला इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। अब शहर के चप्पे चप्पे पर इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर नजर रखेगा। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ ने सबसे पहले बढ़ाया स्मार्टनेस की ओर एक और कदम। इस मौके पर अलीगढ़ सांसद के साथ ही मंडलायुक्त, नगर आयुक्त के साथ ही विधायक भी शामिल हुए। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से शहर की सभी विभागों की सूचनाओं और परियोजनाओं पर नजर रखी जाएगी। कमिश्नर ने इस दौरान कहा कि माननीय प्रधानमंत्री की स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत 55 करोड़ की धनराशि की परियोजना में कई विभागों की बहुत सी छोटी बड़ी परियोजनाओं का समन्वय है, जिसमें प्रमुख रूप से 100 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी। साथ ही 650 विभिन्न लोकेशनों पर हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगाए जाएंगे। सर्विलांस कैमरे की मदद से कार में बैठे आदमी के फेस को डिटेक्ट करने के साथ ही गाड़ी के नंबर को ट्रेस भी अब इसी सिस्टम से किया जा सकेगा। कैमरे को जूम करते हुए 360 डिग्री पर मूवमेंट कराना, स्पीड डिटेक्शन के साथ साथ 20 चौराहे को एडोप्टिक चौराहा, जहां ऑटोमेटिक ट्रैफिक लाइट मैनेजमेंट को ICCC से कनेक्ट किया जाए, यानी इन चौराहे से किसी भी आपात स्थिति अथवा VIP मूवमेंट एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड को निकलने के लिए ICCC से ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के जरिए मैनेज किया जाएगा। इस परियोजना में प्रमुख रूप से अलीगढ़ शहर का सभी डाटा GIS मैप पर होगा, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बैठकर अलीगढ़ शहर के प्रमुख चौराहों, गली, वार्ड, कार्यालय, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल आदि की लोकेशन को बैठे बैठे ही देख सकेगा। मंडलायुक्त अजय दीप सिंह ने कहा, स्मार्ट सिटी में शामिल प्रदेश के समस्त जिलों में अलीगढ़ द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में तेजी से कार्य करते हुए रिकॉर्ड समय में इसे पूर्ण करना एक बड़ा कदम है। मिशन योजना के अंतर्गत आज शहर के लिए इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के प्रथम चरण का लोकार्पण किया गया है। ये एक ऐसी परियोजना है जहां शहर में लगभग 650 लोकेशंस पे कैमरे होंगे, 20 चौराहों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, हमारी OFC केबल है, जनता के लिए ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं। तो इन सारी सुविधाओं को हमने एक जगह से शहर को कंट्रोल करने का सेटअप आज तैयार किया है। ये अत्याधुनिक कमांड सेंटर है। इससे न केवल सुरक्षा का, यातायात का, बल्कि नागरिक सुविधाओं और विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को भी यहाँ से हम जोड़ सकते हैं, और इससे शहर के लोगों के जीवन स्तर को उठाने में, उनको सुरक्षा प्रदान करने में, सुगम यातायात देने में और बेहतर एनवायरनमेंट देने में सफलता हासिल होगी। और यह रिकॉर्ड समय में ये हुआ है, जबकि ये पूर्ण परियोजना 2020 जुलाई में पूरी होगी, लेकिन इसके प्रथम चरण को हमने 3 महीने की हमारी टीम की अथक मेहनत से पहला पार्ट हमने पूरा कर लिया। सर, जैसे कि इस पर अपराध का भी कंट्रोल किया जाएगा? निश्चित रूप से, इसमें चेहरा पहचानने वाला कैमरा होगा, इसमें तेज रफ्तार चलने वाला कैमरा होगा, गाड़ी की नंबर प्लेट को ऑटोमेटिक रिकॉग्नाइज कर लेगा, किसी ने कोई घटना किया है तो उसके पीछे पता लग जाएगा कि इसने पोस्ट इंसिडेंट में क्या किया था, कहाँ कहाँ गया था, और उसकी पोस्ट इंसिडेंट एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। तो अपराध करने वाले नहीं, अपराध का पूरा कुंडली भी हम निकाल लेंगे। आज तो हमने 3 चौराहे गो लाइव किया है, लेकिन हमें 20 चौराहों तक जाना है, और ये काम निरंतर बढ़ता रहेगा, और भविष्य में जैसा मैंने बताया कि जुलाई 2020 तक इस प्रोजेक्ट को हम 100% पूरा करें। टीम काम कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में दिक्कतें आती हैं, देखिए अंडरग्राउंड केबलिंग की बात हो, पाइपलाइन बिछाने की बात हो, सीवर हो, उसमें वक्त लगता है, वो लगा, लेकिन अब हमारी टीम दिन रात कोशिश कर रही है। आप निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सेंटर पॉइंट और मैरिस रोड का चौराहा निखर कर नए साल में आएगा, और उस कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनको उतनी बेहतर सौगात भी दूंगा। देखिए, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर के प्रथम चरण का आज शुभारंभ जो है किया गया है, और ये जो है माननीय सांसद और माननीय शहर विधायक और माननीय कोल विधायक तीनों यहाँ पर जो है मौजूद रहे, और इन लोगों के द्वारा इसका शुभारंभ कराया गया। और भारत सरकार की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है स्मार्ट सिटी अलीगढ़, स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो अभी तक लोग ये कहते हैं, यद्यपि इसमें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
इसमें तकरीबन 500-600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का काम ऑलरेडी पहले से चल रहा था और 120 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इसका जो पहली लॉन्चिंग आज इसकी हुई है, 3 चौराहे इसमें कवर किए गए। एमयू सर्कल है, लाल डिग्गी चौराहा है और बीएसएनएल चौराहा है। और ये अब इसमें पूरा नगर जो है, ये पेन सिटी प्रोजेक्ट है आईटी का, जिसमें पूरा महानगर कवर होगा। जो इसके नए 19 गांव भी हैं वो भी इसमें कवर होंगे। और इसमें 100 किलोमीटर की ओएफसी डाली जा रही है और ट्रांसपोर्ट नगर को भी इसमें इंटेग्रेट किया जाएगा। तमाम विभाग, चाहे वो बिजली विभाग के स्मार्ट मीटर्स हों, चाहे नगर निगम के इसमें स्मार्ट मीटर्स जल के हों, अथवा जो है नगर निगम की जो भी सर्विसेज हैं, चाहे टैक्स की हों, चाहे प्रॉपर्टी की हों, किसी भी चीज़ का हो, चाहे इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हों, वो सब यहाँ से जो है उनका मॉनिटरिंग चलेगी। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है 2015 में लॉन्च किया था स्मार्ट सिटी मिशन को, और तब लोग नहीं समझ रहे थे कि इसका क्या उपयोग है। लेकिन आज जिस नगर में ये जो है लागू हो गया है, तो अब जो है उत्तर प्रदेश के महानगर भी अंतर्राष्ट्रीय महानगरों की टक्कर ले पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और मैं पूरी टीम को जो स्मार्ट सिटी की, उसको बधाई देता हूँ। 2020 नया वर्ष, नया अलीगढ़, सुखमय भविष्य की ओर। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी के तहत कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का जो लोकार्पण हुआ है, वो अलीगढ़ के इतिहास के लिए बहुत ही उच्च कोटि का प्रयास है। और एक ऐसी कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से हम शहर की सारी गतिविधियों पर नज़र रख सकेंगे। इसमें कई ऐसी अनोखी चीज़ें हैं, चाहे वो हाउस टैक्स का मामला हो, चाहे ई चालान का मामला हो, चाहे शहर के हर चौराहे पर अब अलीगढ़ का हर नागरिक कैमरे की नज़र में रहेगा।